मेरे प्यारे राजस्थान वासियों, आप जानते मैं था दूर नहीं, 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है। इस चुनाव में आपको अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। कई लोग तो ना समझे में अपना वोट खराब कर देते हैं। राजस्थान के 5.25 करोड़ वोटर से मेरा निवेदन है, अपने वोट की अहमियत समझ कर वोट दें। आपका एक वोट कितना कीमती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपके एक वोट से आपको और आपके परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में मिलता है। आपके एक वोट से राजस्थान में करोड़ों लोगों को ये चैन मिलता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ गई तो पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो दिन गए जब बीमारी का इलाज कराने में ज़मीनें बेचनी पड़ती थी, कर्जा लेना पड़ता था, सालों उधार चुकाना पड़ता था। चिरंजीव योजना से आप और आपका परिवार चिरंजीव होता है। आपके एक वोट से गरीब आदमी के घर गैस सिलेंडर से खाना पक रहा है, लकड़ी और कोयले का धुआं महिलाओं को बीमार नहीं कर रहा है, उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपके एक वोट से 1.5 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा राशन किट मिलता है। आपके एक वोट से आपके घर में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। आपके एक वोट से 1 करोड़ बुजुर्ग विधवा और दिव्यांगों को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। और आपके ही एक वोट से महिलाओं का रोडवेज में आधा किराया जाता लगता है। आपके एक वोट से ही सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापा सुरक्षित होकर OPS की गारंटी मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, किसी को भी दे देंगे, ऐसे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक वोट से ही सरकारें बनती बिगड़ती है। मेरे प्यारे राजस्थान वासियों, आपके एक वोट की कीमत है। आपका और आपके परिवार का भविष्य, आपके एक वोट से आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आपके एक वोट से बच्चों को मुफ्त में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन लेने पर लैपटॉप मिलेगा। ये सब इसलिए ताकि राजस्थान में गरीब और अमीर दोनों को बराबर का अवसर मिले। आपके एक वोट से आपके घर की महिला मुखिया के बैंक अकाउंट में साल में 1 बार 10,000 रुपये की सम्मान राशि जाएगी। और अगर अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिला है, वो भी मिल जाएगा। आपके वोट से आपके आसपास अच्छी सड़कें, अच्छी स्कूल, अस्पताल होंगे। हाँ, अगर आपने गलत वोट दे दिया तो मैं समझता हूँ कि नुकसान हो जाएगा आप सबका। भड़काऊ भाषण सुनकर या धार्मिक बहकावे में आकर गलत वोट दे दिया तो आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ अमीरों के बारे में सोचने वाली सरकार आ गई तो सारी योजना बंद कर देगी, जैसा कि पहले भी हो चुका है। केवल मुफ्त इलाज ही नहीं, मुफ्त दवा भी बंद हो जाएगी। अन्नपूर्णा किट पैकेट भी बंद हो जाएगा। सिलेंडर का दाम पता नहीं क्या होगा। 100 यूनिट बिजली का बिल भी पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। इस बार आप अपने खुद के लिए वोट दीजिए, अपने स्वार्थ के लिए वोट दीजिए, अपनी खुशियों के लिए वोट दीजिए। जिस पार्टी ने आपके परिवार के लिए ज़्यादा किया है, उसके लिए वोट दीजिए। दूसरों के बहकावे में आकर वोट मत दीजिए। कुछ सोचिए, किसी सरकार ने आज तक पशु बीमा दिया है? किसी ने आज तक आपदा बीमा की बात की है? किसी पार्टी ने किसी भी राज्य में 10 लाख छोड़िए 1 लाख का दुर्घटना बीमा किया है? क्या ये चुनाव आपके अगले 5 साल के लिए है? आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अगले 5 साल आपकी सबसे अच्छी देखभाल कर सकता है? आपके साथ सुख दुख में कौन खड़ा होता है? आपके बिजली के बिल में कौन बचत कराता है? मेरा मानना है कि 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बस एक काम करना है, 25 नवंबर को वोटिंग मशीन पर कांग्रेस के हाथ का बटन दबाना है। हाथ से हाथ मिलाकर हमें अपने सपनों को पूरा करना है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार सबसे पहले 7 गारंटियों को पूरा करने में लग जाएगी। ये 7 गारंटी क्या है, इसको देखकर सोच समझ कर वोट दीजिएगा। और यदि आपने ये 7 गारंटी चाहते हैं तो तुरंत 8587070707 पर मिस कॉल देखकर अपना नाम दर्ज करा दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय कांग्रेस।